हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही मशहूर शहर बेंगलोर के बारे में। इसका नाम आपने बेंगलुरु भी सुना होगा, क्योंकि कन्नड़ भाषा में इसे बेंगलुरु प्रोनाउंस किया जाता है। ये शहर कर्नाटक राज्य की राजधानी है और साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी। इस शहर की जनसंख्या 8 मिलियन से ज्यादा है। समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह शहर पॉपुलेशन के मामले में पूरे विश्व में 27वें नंबर पर आता है। बेंगलोर एक बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान और मौसम भी पूरे साल बहुत ही अच्छा रहता है। इस शहर में ढेर सारे पार्क मौजूद हैं, जिस वजह से इसे द सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। इस शहर को कई नामों से भी जाना जाता है। 1960 में इलेक्ट्रॉनिक्स हब और एरोस्पेस हब के नाम से भी जाना जाता था। वैसे आज के समय में ये शहर दुनिया में सिलिकॉन वैली के नाम से भी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ ढेर सारी आईटी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं। इस शहर को मोस्ट ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 के लिस्ट में भी पहला रैंक हासिल हुआ था। जिन सिटीज की पॉपुलेशन 1 मिलियन थी, उन शहरों को उन इंडेक्स में शामिल किया गया। ये मेगा सिटी 741 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मेगा सिटी होने की वजह से यहाँ की जनसंख्या काफी डेंस एरिया में रहती है। इसके एरिया के हिसाब से जनसंख्या को बांटा जाए तो इसका जनसंख्या घनत्व करीब 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बनता है, जो पॉपुलेशन जनसिटी के मामले में भारत का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इस शहर को मैसूर साम्राज्य वाला दिल भी कहा जाता है। वैसे तो बेंगलोर शहर फ्लैट जगहों में बसाया गया, लेकिन इसका वेस्टर्न भाग पहाड़ियों में बसा हुआ है, जहाँ शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट 3,150 की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ इनमें से 862 तो केवल बेंगलोर में ही मौजूद है। इस शहर के आसपास कोई बड़ी नदी तो मौजूद नहीं है, लेकिन शहर के 20% पानी की जरूरत को अर्कावटी रिवर से पूरा किया जाता है। वहीं इसका 80% पानी कावेरी नदी से आता है। इस शहर में हर दिन 800 मिलियन लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये शहर बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ इस्तेमाल होने वाला पानी भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है, जो कर्नाटक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 42% लोग इस शहर में कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तमिलनाडु पड़ोसी राज्य होने की वजह से 42% लोग ही तमिल, तेलुगु और उर्दू बोलते हैं। इस शहर की डेवलपमेंट की बात करें तो यह शहर भारत सेकंड फास्ट टैक्स ग्रोविन सिटी माना जाता है। भारत के टोटल आईटी स्पोर्ट्स का 36% केवल बेंगलोर से किया जाता है। इस शहर की इकोनॉमिक सर्विसेज पर बेस्ड है। बिग टेक कंपनियों को होस्ट करने के लिए मामले में ये शहर भारत में 5वें नंबर पर आता है। इस शहर को बायोटेक्नोलॉजी का हब भी माना जाता है। 2005 में भारत की 47% बायोटेक कंपनीज इसी शहर में मौजूद थी। इस शहर में इंफोसिस, विप्रो, माइंडट्री, इंफोसिस, फ्लिपकार्ट, मित्रा जैसी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर भी मौजूद हैं। ये शहर ट्रांसपोर्ट के मामले में भी काफी ज्यादा आगे है। बेंगलोर में कैंपेगौड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते तो धिंदु प्रताप वन को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग टाइम।